अभी पालक और आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। पालक अच्छे धो के काट ली थी अच्छे से, काटने के बाद भी फिर अच्छे से धो ली। आइए आलू काट के पानी में डाल दी हूँ। पानी में नहीं डालने से काला हो जाता है, इसलिए काट के पानी में डाल दी हूँ। यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए पहले मैं चढ़ा दी थी, तो पानी गर्म हो गया है। अब इसमें पालक डाल दूंगी। पालक डाल के तुरंत निकालना है, ज्यादा उसको उबालना नहीं है। अब ये सब पालक सब डाल दी हूँ इसमें, हल्का नरम हो जाएगा फिर इसको निकाल लूंगी। जैसे पालक पनीर बनता है उसी तरह बनाऊंगी आलू और पालक, अच्छा टेस्टी बहुत बनता है ये भी। ये पालक हो चुका है। आप कितने लोग पूरा पत्ता, लंबा लंबा पत्ता भी उबाल लेते हैं। मैं थोड़ा काट दी हूँ, मोटे मोटे काटी हूँ। अभी इसको गैस बंद कर देती हूँ। अभी इसको ठंडे पानी में, पानी इसका गर्म पानी छान के ठंडे पानी से धो दूंगी। अब ये छन्नी में इसको छान लूंगी। ठंडा पानी डालने से ये रहता है कि मतलब कलर इसका चेंज नहीं होता, काला नहीं पड़ता है। इसको और धो लूंगी ठंडे पानी से। अभी इसको ठंडे पानी से एकदम धो ली हूँ। अभी इसको रखती हूँ, पानी गर जाएगा जब तक, इसी में डालती हूँ ऐसे। अभी कढ़ाई चढ़ा दी हूँ इस पे गैस पे, इसका पानी सूख जाएगा तो फिर इसमें तेल डालूंगी। अभी कढ़ाई सूख गई है, अभी इसमें थोड़ा तेल डालूंगी। ये बोतल से ना बहुत आराम हो गया है, ज्यादा तेल जाता नहीं है, जितना आप चाहो उतना ही डाल सकते हो। नहीं तो पहले तो अक्सर ज्यादा तेल पड़ जाता था, केन में रखती थी तो हर चीज में हिसाब से ज्यादा ही तेल पड़ता था। लेकिन अभी इससे है ना, जितना चाहती हूँ उतना ही डालती हूँ, ज्यादा नहीं उजलाता है। अभी इसमें आलू डाल दूंगी, ये आलू जो काट के रखी थी वो डाल दूंगी फ्राई करने को। अभी ये आलू जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं पालक को पीस लेती हूँ। ढक दी हूँ इसलिए आवाज बहुत छनछन आ रहा था, इसलिए ढकी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर है। गर्म पानी से निकाल के तुरंत ठंडा पानी डाल देंगे तो इसका कलर एकदम हरा का हरा रहेगा, और गर्म पानी में ज्यादा देर उबालना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो काला पड़ जाता है तुरंत पालक।
इसको एकदम लाल करके तलूंगी। अभी ये आलू एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसको निकाल लूंगी। ये आलू एकदम फ्राई हो गया। मसाले के लिए ली हूँ लहसुन अदरक, इसको कूच लूंगी। इसमें कोई भी मसाला पीस के नहीं डालूंगी, जितना भी मसाला होगा खड़ा ही डालूंगी। और जो भी भूखा रहता है हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर ये सब डालूंगी, इसको पहले कूच लेती हूँ। अभी ये कूच ली हूँ, ज्यादा बारीक नहीं करना था इसको, इतना ही कूचना था। अभी चलिए सब्जी चढ़ाते हैं। ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें तेल डाल दूंगी। इसका ढक्कन खोल के डाल दी थी, तेल खत्म हो गया, अभी डालूंगी तेल, इसमें भरूंगी, इसीलिए ढक्कन खोली थी। अभी इसमें डालूंगी ये तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, चक्री फूल, ये सब चीज में मैं डालती हूँ, इसका खुशबू अच्छा लगता है मुझे। और जीरा एकदम स्लो ताव पे इसको ये करूंगी, थोड़ा सा ये भून जाएगा। के बाद इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। उसके बाद ये अदरक लहसुन का ये डाल दूंगी पेस्ट। ये अदरक लहसुन एकदम अच्छे से इसको भून लूंगी कि इसका महक नहीं आए। देखिए भुना चुका है, लाल हो गया। अभी इसमें टमाटर डालूंगी, दो टमाटर ली थी, बड़ा बड़ा टमाटर दो ली थी। इसी के साथ कूटा हुआ मसाला सब डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये तीखा वाला नहीं है इसलिए ज्यादा मैं डालती हूँ, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के मिला लूंगी अच्छे से। इसमें अभी पानी उनी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ऐसे ही इसको पहले भून लूंगी दो मिनट। ये अभी थोड़ा भून गया है, इसमें थोड़ा तेल ज्यादा ही पड़ता है, जैसे शादी उदी में कैसे सब्जी बनती है उसी तरह एकदम टेस्ट इसका आता है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और भूनूंगी, एक बार में ज्यादा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा पानी डालूंगी इसमें।
अभी इसमें 2 चम्मच दही डालूंगी। दही डाल के एकदम हाई फ्लेम पे उसको चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा। ऐसे चला चला के भुनना है दही को। अभी इसमें एक पालक जो पीसी थी वो डाल दूंगी। अभी पालक डाल दी हूँ इसमें, इसको भी अच्छे से मसाला में मिला लूंगी। ये जार में जो पालक पीसी थी उसको धो के पानी उसमें थोड़ा डाल के डाल दूंगी। कलर इसका बहुत अच्छा कलर आ रहा है, काला पालक बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। इसमें नमक अभी तक नहीं डाली हूँ, नमक एकदम लास्ट में डालूंगी। अभी इसमें डाल दूंगी जो आलू फ्राई करी थी वो डाल दूंगी। ये भी डाल के अच्छे से मिला लूंगी। इसमें आपको जितना भी गाढ़ा रखना है, इससे पतला थोड़ा रखना है तो वो आपके ऊपर है, आप गाढ़ा रखो या पतला रखो आपकी मर्जी। पानी आप अपने हिसाब से डालो इसमें। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी अभी, नमक अब डालूंगी इसमें। नमक आप अपने हिसाब से डालें। अभी चेक कर लूंगी, नमक कम होगा तो और डाल लूंगी। अभी तो सही लग रहा है, अभी थोड़ी देर इसको ढक के 5 मिनट पकाती हूँ। अम्मी अभी ये 5 मिनट इसको पका चुकी हूँ। ये देखिए, मैं तो इतना ही गाढ़ा रखूंगी, रोटी के साथ खाना है तो इतना सही है। आलू भी गल गया मेरा। अभी इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी, पहले भी थोड़ा डाली थी अभी भी थोड़ा डाल रही हूँ, इससे खुशबू अच्छी आती है। आपके पास हरी धनिया होगी तो हरी धनिया भी डाल दीजिएगा तो और भी टेस्ट अच्छी आती है। मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है, बहुत अच्छी ये बनती है। मेरे बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आती है, सारे बच्चे को। ये सबसे ज्यादा तौफीक को मेरे पसंद आती है, छोटे वाले बेटे को मेरे। पालक मेथी उसको बहुत उसको पसंद आती है, तो अभी तो मेथी अच्छी मिल नहीं रही है तो नहीं लाती हूँ। अभी चलिए रोटी बना के फिर बताती हूँ कैसा बना है सब्जी। बच्चे लोग को खिलाऊंगी तभी मालूम पड़ेगा कि सब्जी में टेस्टी सब्जी बनी है कि नहीं। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। ये देखिए, अच्छा
अच्छा बना है तौफीक? बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। पालक पनीर है, अच्छा है। पनीर मिला उसमें? क्या मिला? आलू। आलू मिला? आलू नहीं है, पनीर है, ध्यान से देखो। आलू है। ए, पनीर है तो आलू है। अच्छा, पनीर की तरह लग रहा है कि आलू सब्जी? आलू की सब्जी लग रही है, आलू पालक की। पनीर वाली, पनीर वाली टेस्ट आ रही है। तौफीक को पालक, मेथी ये सब बहुत पसंद है ना, फेवरेट है। पालक और मूंग की दाल, दाल के जो बनती है ना। तौफीक को तो अच्छा लगा है ना, पनीर नहीं मिला लेकिन आलू मिला पनीर की जगह पे। आलू डाली हूँ, पनीर नहीं डाली हूँ उसमें।